नमस्कार मित्रों, लेसन नंबर 6, गुजराती 10th सेकंड लैंग्वेज, पाठ का नाम है सामग्री तो समाजनी छेने, जिनके लेखक है विकास शर्मा और प्रसंग कथा में से लिया गया है। विकास शर्मा उद्योग के कामकाज के लिए बहुत बार देश विदेश जाते थे। यहाँ भी वह एक बार जर्मन जाते हैं और वहाँ अपने दोस्तों के साथ कुछ बात करते हैं। उसी समय उनको जो अनुभव हुआ वो अनुभव यहाँ लिखा हुआ है और हमें सीख दी है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि समाज के अंदर जो चीज़ है वो सोचते हैं कि वो हमने उनका पैसा दे दिया है अर्थात वो चीज़ हमारी हो गई, ऐसा सोचते हैं, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं है। आज की जो परिस्थिति ध्यान में देखते हुए मैं आपको एक बात बताऊं कि लॉकडाउन चल रहा है, अमीर जो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, धन संपत्ति है, वो लोग रोज़ सुबह शाम कुछ ना कुछ नया बना के, मिठाई बना के या कुछ अच्छा बना के खाते हैं, नई नई डिश बना के खाते हैं। लेकिन समाज के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दो दो दिन, पांच पांच दिन हो गया फिर भी उनको खाना मिला नहीं था और सरकार उनके तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, समाज सेवक उनके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो चीज़ हमने पैसा देके खरीदी अर्थात वो चीज़ हमारी नहीं है, उनके ऊपर हमारा पूरा अधिकार नहीं है, ये बात यहाँ हमें लेखक ने समझाई है। मैं पाठ पढ़ते जाता हूँ और साथ साथ में उनका एक्सप्लेन करते जाता हूँ कि जर्मनी उद्योग धंधानी दृष्टि गणों आगर वधेलो देश छे, टेक्नोलॉजीनी दृष्टिए पण आगर छे, नाना नाना नगरोए मई उच्च टेक्नोलॉजी वाली चीज वस्तुओ बनावाय छे। आथी आपणने एम थाय छे कि आवा देशना लोको गणू मौज शोक वाळू अने वैभव विलासी जीवन जीवता हशे। कम से कम मारा मनमां तो एवी ज छाप हती, परंतु हमणां मारे जर्मनी जवानुं थयुं अने मैं नजरो नजर जे जोयुं तेमज केटलाक जात अनुभवो थया त्यारे मने थयुं के आपणा लोको आवी छाप केटली खोटी छे। यानी लेखक कहते हैं कि मैं एक बार जर्मन गया था और जर्मन ऐसे देखा जाए तो विकसित देश है, उद्योग की दृष्टि से बहुत बड़ा आगे अग्र जिनका स्थान है, ऐसा बड़ा देश है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत आगे है, छोटे छोटे नगर में भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की जो चीज़ वस्तु होती है वो बनाई जाती है। इसीलिए उन लोगों के प्रति मेरा ऐसा ख्याल था कि वो लोग बहुत मौसक और भोग वैभव वाला जो जीवन है वो जीवन व्यतीत करते होंगे, लेकिन जब मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि ये जो बात है वह गलत है, तब मुझे पता चला कि नहीं, हमारे मन के अंदर जो दूसरे के प्रति, दूसरे देश के प्रति जो गलत मान्यता है, ऐसा हमें महसूस होता है। हूँ हेम्बर्ग पहुँचो त्यारे हेम्बर्ग में काम करता मारा मित्रों ए मारा माटे एक पार्टी त्याना एक रेस्टोरेंट में गोठवी हती। अमे रेस्टोरेंट में प्रवेश्या त्यारे मैं जोयू के त्या घणा बधा टेबलो खाली हता। एक टेबल ऊपर एक युवान दंपति पोतानु भोजन लई रह्यु हतु। टेबल ऊपर मात्र बे डिश हती। मने थोड़ू आश्चर्य थयु, आवू सादु खाणु छोकरो कंजूस लागे छे, आपणे त्या तो जुवानडो छोकरीने लई रेस्टोरेंट में जाय तो जात जातनी वानगीओथी तेने आंजी नाखे। आंजी नाखवू मतलब प्रभावित करी देवू, रूढ़िप्रयोगनो अर्थ छे। लेखक कहते हैं कि जब मैं हेम्बर्ग पहुँचा तो उनका कोई दोस्त होगा, उस दोस्त ने
वो आए थे, उनके उपलक्ष में एक पार्टी का आयोजन किया था रेस्टोरेंट के अंदर। और जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे टेबल खाली पड़े थे, सिर्फ एक युवान दंपति यानी यंग कपल वहाँ बैठा हुआ था। दंपति यानी पति और पत्नी, यानी द्वंद्व समाज का ये उदाहरण है। वो खा रहे थे, सिर्फ उनके टेबल पर दो ही डिश पड़ी हुई थी। मुझे आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ कि ये दंपति कितना एकदम सिंपल खाना खा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़का जो है वो लड़का एकदम कंजूस है। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई युवा दंपति नवपरिणीत अगर किसी को होटल में लेके, जब शादी होती है और होटल में लेके जाते हैं तब लड़की को ऐसे ऐसे खाना खिलाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और जो खाते नहीं हैं उससे ज़्यादा मंगवा लेते हैं, और सामने वाले जो लड़की है उनको प्रभावित कर देते हैं। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं था। बीजा एक टेबल ऊपर केटलिक वृद्ध स्त्रीओ होती, वेटर आवे अने एमनी दरेक डिश में पोताना वासण मथी खावानू पीरसी जाए, दरेक जन बधुं खाई जाए, डिश में एक दाणो छोड़े नहीं। जब दूसरे एक टेबल था, उस टेबल के अंदर कुछ वृद्ध यानी बुजुर्ग औरत खा रही थी, उनको जितना चाहिए था इतना डिश में आके देखे वेटर चला जाता था, एक भी दाना इस डिश के अंदर बचता नहीं था। जो के अमे एमना तरफ जाजू ध्यान आप्यू नहीं, केम के अमे अमारा खावाना मग्न हता, अमने सारी एवी भूख लागेली हती, एटले मारा स्थानिक मित्रों घणु बधुं खावानुं मंगावेलुं हतुं। यानी हमने लेकिन वो उनके पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे जो दोस्त था वो मेरे दोस्त ने, लेखक बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने बहुत सारा खाना मंगाया था और हमें भी बहुत सारी भूख लगी थी, इसलिए हम भी अपने खाने में मग्न थे। रेस्टोरेंट में गिरदी नहीं हुआ थी, खाणू जट आव्यू अने अमारे बीजा पण कामो होवा थी अमे खाणू जल्दी पतावी। खाईने अमे उठ्या त्यारे लगभग नहीं नहीं तोय अमे मंगावेल भोजन मथरी त्रीजा भागनू भोजन अमारी डिश में छंडायेलू हतुं। यानी रेस्टोरेंट में गिरदी नहीं थी, इसलिए फटाफट खाना आ गया। हमने भी बहुत तेज़ी से अपना खाना ख़त्म किया, लेकिन जब हमने खाना खाने के बाद हाथ धो लिया तब हमने जो चीज़ मंगाई थी उससे तीसरे हिस्से की जो चीज़ थी यानी खाना बच गया था। अमे रेस्टोरेंट थी बाहर निकली रहा तेवामा कोई हमने बोलाव्या, अमे जोयू तो पेली वृद्ध स्त्रीओ अमारा विषय रेस्टोरेंट ना मालिक साथे कईक बात करी रही थी। ज्यारे एमने अमारी साथे अंग्रेजी में बात करवा माड़ी त्यारे अमने समझायू के अमे आटलो बधो खोराक अमारी डिश में छोड़ीने उभा थई गयेला ते एमने गम्यू न हतुं। यानी हम रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए थे तब वहाँ का जो वेटर है वो हमें बुलाते हैं। यानी हमने देखा तो वो जो वृद्ध औरत बैठी हुई थी वो रेस्टोरेंट के जो मालिक थे उनके साथ कुछ बात कर रही थी, क्योंकि वो जर्मन भाषा में बात कर रही थी, इसलिए क्या है कि हमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब उसने अंग्रेजी में बात करना चालू किया तब हमें पता चला कि जो हमने खाना मंगवाया और छोड़ के हम उठ गए थे, निकल गए थे, वो उनको अच्छा लगा नहीं था। अमने थयू कि तेओ नाहक खण खोदिया छे, एटले अमे एमने कही दीधू अमे जे मंगावेलू तेना पूरेपूरा पैसा अमे चूकवी दीधा छे, अमे केटलू खाध्यू अने केटलू छोड्यू तेनी तमारे सी निस्बत। यानी मुझे ऐसा लगा कि वो फोकट के खण खोदिया, मतलब दूसरे की बुराई करना, दूसरे की बुराई कर रही है। यानी हमने जो खाना मंगवाया था उनका जितना भी पैसा होता है वो पैसा हमने इस रेस्टोरेंट के मालिक को हमें दे दिया है, हमने दे दिया है। हमने कितना खाया, हमने कितना छोड़ दिया, उससे आपको क्या निस्बत है, ऐसा हमने बोल दिया।
पेली वृक्ष स्त्री तो गुस्से में आ गई। तेमतनी एक जनीए पोतानो फोन काढ्यो अने कोईकनी साथे वात करी। थोड़ी वार में तो सोशल सिक्योरिटी नो यूनिफॉर्म पहरेलो एक जन त्यां आवी पहुंच्यो। जे बन्यु ते जाणीने तेणे तो अमने 50 यूरोनो दंड कर्यो। अब जैसे हमने बोला कि जितना खाया जितना मंगवाया उनका पैसा हमने चुक्त कर दिया है यानी पे कर दिया है, तो आपको क्या निस्बत? ऐसा जब बोला तो एक औरत को गुस्सा आ गया, तुरंत उनका फ़ोन निकालते हैं और सोशल सिक्योरिटी के साथ बात करते हैं। वो वहाँ आ जाते हैं और हमें 50 यूरो यूरो यानी यूरोप देश का जो चलन है यानी जिस तरह से हमारी करेंसी रुपया है ऐसा उनको यूरो कहा जाता है यूरोप देश के अंदर करेंसी को, तो 50 यूरो का उन्होंने हमें पनिश किया, दंड कर्यो। अमे शांत रहा। स्थानिक मित्र 50 यूरो नो दंड चूकवी दई तेमनी पासे फरी फरी पोतानी दिलगिरी व्यक्त करी। यानी जो मेरे दोस्त था उन्होंने 50 यूरो जो पनिश हुआ वो चुक्त किया, पे किया और उन्होंने दिलगिरी मतलब सॉरी उनको व्यक्त की। व्यक्त की संधि होती वी प्लस अक्त, व्यक्त की। पेलो ऑफिसरे कड़क आवाज में मक्कमताथी अमने कह्यु, तमने जेटलू जोईतू होयज तेटलू खाई सकता हो तो तेटलू ज मंगाओ, पैसा तमारा छे पण साधन सामग्री तो बधी समाजनी छे। दुनिया में हजी एवा घणा लोको छे जे बधी साधन सामग्रीना तीव्र अभावथी पीड़ाय छे, माटे आ साधन सामग्रीनो जरीके बगाड करवानो तमने कोई हक नथी। यानी जो ऑफिसर सिक्योरिटी ऑफिसर जो आया था उन्होंने हमें कड़क यानी स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दी कि आपको जितना चाहिए इतना मंगाना चाहिए, जितने खा सकते हो इतना ही मंगाना चाहिए, पैसा तो आपका है लेकिन ये जो साधन सामग्री जो है जो अनाज है वो समाज का है। बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे जो लोग हैं अभी भी इस साधन सामग्री से मतलब अनाज के तीव्र अभाव से वो पीड़ित है। इसलिए हमें समाज की जो साधन सामग्री है उसका थोड़ा भी बिगाड़ करना अपना हक नहीं है। हमें छोबिला पड़ी गया, छोबिला पड़ी जाऊँ मतलब शरमाई जाऊँ। हमारा हृदय में अमने एमनी बात तद्दन साची लगी। आवा धनवान देशों ना लोगों आवो मानस जोई अमने अमारी जात पर शरम उपजी। खरेखर आपने आवी बाबतनो गंभीरताथी विचार करवो जोईए। आपने तो धनवान नहीं एवा देशना नागरिक छे, आपने तो आवी रीते ना अभाव थी पीड़ाता लोगों ने नजरो नजर जोईए छे, छताय आपनी आँख उगड़ती नथी। आँख उगड़वी मतलब सभान थवू अथवा तो आँख न उगड़वी मतलब जागृत न थवू, आँख उगड़वी मतलब जागृत थई जवू। आ रूढ़ी प्रयोग छे। खोराकनी चीज वस्तुओनो पण आपणे बेफाम बगाड करीए छे। यानी अमे छोबीला, छोबीला मतलब शरम, यानी हम शरमा गए। हमारे हृदय के अंदर सचमुच एक उनके प्रति हमदर्दी, उनके बात ऐसे हमारे हृदय को छू गई कि हमें भी ऐसा लगने लगा कि नहीं ये जो बात बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ये धनवान है, विकसित देश है, फिर भी उनकी जो एक थिंकिंग विचार जो है वो कितनी अच्छी है, जबकि हम तो ऐसे देश के नागरिक हैं। यानी हमारे देश के अंदर तो हम जब शहर के अंदर निकलते हैं रात को तो फुटपाथ पर बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जिनको खाना नहीं मिलता है और भूखे सो जाते हैं, तो फिर भी हम लोग ऐसे बेफाम उस चीज़ों का उपयोग करते हैं और खुराक को बिगाड़ देते हैं। यानी फिर भी हमारी जो आँख है वो खुलती नहीं है, मतलब हम जागरूक होते नहीं हैं। आ घटनानो अमने बराबर पाठ बनाव्यो, अमने अमारी खोटी आदतों सुधारवानो बोध पाठ आप्यो। यानी इस घटना से सचमुच हमें पाठ बनावो मतलब के सीख मड़वी, यानी बहुत अच्छी सीख मिल गई। यानी अपनी जो गलत आदत थी उनको सुधारने का हमें मौका भी मिला। अमने दंड भरानी टिकट मड़ेली ते फोटो स्टेट नकल करी अमे दरेक के एक यादगिरी रूपे अमारी पास ले लीधी। अमे ते अमारा ओरडानी दीवाल पर चौटाड़ी राखी। अमने कायम ढंढोड़वा के कोईए क्यारे कसायनो बगाड़ करवो नहीं। यानी जो 50 यूरो की जो उनको दंड की टिकट मिली थी, लेखक कहते हैं कि जो हम मित्र थे वो सारे मित्र ने उनकी एक एक फोटो स्टेट मतलब नकल यानी जेरोक्स करवा ली और एक फ्रेम में
लगा के हमारे खाने वाले कमरे में हमने रख दी। यानी हम जब जब कोई भी खाने का बिगाड़ करे, तुरंत उनके सामने अगर हमारी नज़र जाए तो दूसरे दिन वो न हो कि मगर खाने का बिगाड़ हम न करें। अपने आप को जगाने के लिए हमने ऐसा किया। थैंक यू। समानार्थी शब्द यानी शब्द समझौती दी गई है यहाँ, आप उनके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। और उनके बाद यहाँ रूढ़ी प्रयोग भी है, विरोधी शब्द भी है और तड़पदा शब्द भी है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ कि होटल में युवान दंपति भोजन केटलू मंगावता हता, तो जरूर पूरतू थोड़ू, यानी सी। दूसरा सवाल है, भारतीयों खोराक छाड़वा माटे श्रम केम न अनुभवी, उनका आंसर है डी, खोराक ना पैसा चुकव्या हता। फिर एक एक वाक्य वाला सवाल है कि विदेशियों माटे लेखक ने शो ख्याल हतो, तो उनका जवाब है कि विदेशियों माटे लेखक नो ख्याल हतो कि आवा वैभवशाड़ी जीवन लोको मौजिलू अने वैभवशाड़ी जीवन जीवता हसे। दूसरा सवाल, वृद्ध स्त्रीओं डिशमो वेटर केटलू पीसो हतो, तो वृद्ध स्त्रीओं डिशमो वेटर थोड़ू थोड़ू पीसतो हतो। बे त्रण वाक्य में उत्तर, प्रश्न पहला, वृद्ध स्त्रीओं खोराक छाड़नार माटे शू कर्यु, तो उनका जवाब है कि वृद्ध स्त्रीओं खोराक छाड़नार माटे तरत ज होटलना जे मैनेजर छे तेनी साथे वात करे छे, अने वात करी अने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर ने बोलावे छे अने 50 यूरो नो दंड करावे छे अने तेमने सबक शीखाड़े छे। दूसरा सवाल है, सिक्योरिटी ऑफिसरे शू समझाव्यु, उनका जवाब है सिक्योरिटी ऑफिसरे समझाव्यु के पैसा तमारा छे परंतु आ साधन सामग्री जे छे ते समाजनी छे, आथी तमारो एने बगाड़वानो कोई पण अधिकार नथी। फिर सविस्तार उत्तर है, यानी पहला सवाल के भूल करनारे दंडनी टिकिटनी फोटो स्टेट नकल करी घरनी दीवाल पर केम राखी, तो सबसे पहला हमें 4 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमें उनके क्या है के परिचय लिखना है कि यह प्रश्न सामग्री तो समाजनी छे पाठ में से लिया गया है, जिनके लेखक विकास शर्मा है, जिनका प्रकार प्रसंग कथा है, और यहाँ विकास शर्मा जब जर्मनी जाते हैं तब उनको जो अनुभव हुआ उनकी बात यहाँ हमें बताई है। फिर लिखना है कि जब उन्होंने वो लेखक जारे लेखक जर्मन जाए छे अने तेमना मित्रों तेमने माटे पार्टी नू आयोजन करे छे त्यारे तेवो घणु बधु खावानु मंगावे छे अने त्रीजा भागनु खावानु छोड़ीने ऊभा थई जाय छे, त्यारे वृद्ध दंपति स्त्रीओ त्यां बैठी होय छे तेमने आ पसंद आवतुं नथी, आथी तेवो तरत ज त्यांना मैनेजर ने कम्प्लेन करे छे, त्यारबाद सोशल सिक्युरिटी ने बोलावे छे अने 50 यूरोनो दंड करे छे। लेखक कहे छे कि आ नक्कल अमे अमारी पासे फोटोस्टेट करीने मूकी राखी कारण के ज्यारे पण अमे अनाजनो बगाड़ करीशू त्यारे अमने तरत ज आ नक्कल सामे देखाशे अने अमे तेना परथी शीख मेळवशू के आपणे क्यारे पण भोजननो बगाड़ करवो जोईए नहीं। थैंक यू। तमने समझ आवी गयो हशे, जो शब्द के जे वाक्य समझ में न आवे तो मने मैसेज करजो, हूँ तमने तेनो जवाब आपीस। थैंक यू।